कोरबा में SECL की कॉलोनियां बदहाल स्थिति में हैं और इसके कारण यहां के कर्मचारी व उनके परिवार परेशान हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इस इलाके का निरीक्षण करने के साथ व्यवस्था पर नाराजगी जताई और इसे जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। इस मसले को लेकर वे उच्च स्तर पर पत्राचार भी करेंगे। शहरी क्षेत्र की स्थिति को जानने के लिए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल लगातार दौरे कर रहे हैं। उन्होंने SECL के विभागीय अस्पताल पहुंचकर वार्डों का निरीक्षण किया और यहां पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। क्या हो गया? SECL की सुभाष ब्लॉक और ऑफिसर कॉलोनी का निरीक्षण करने के दौरान कंपनी के अधिकारी भी मंत्री के साथ में थे। जहां तहां गंदगी का ढेर लगे होने सहित तमाम अव्यवस्था मिलने पर मंत्री काफी नाराज दिखे। SLRM सेंटर और वाटर ATM की निष्क्रिय को लेकर भी अधिकारियों से पूछताछ की गई। वो कहां है सर? राजस्व मंत्री ने बताया कि कोरबा से कई अरब का व्यवसाय करने के बाद भी SECL कंपनी यहां पर बेहतर वातावरण देने के प्रति गंभीर नहीं है। बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इसी के साथ उच्च स्तर पर हम पत्राचार भी करेंगे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि SECL जो कोल इंडिया की प्रबंधन कंपनी है, ये अरबों रुपए का धन अर्जित करती है, अरबों रुपए की कमाई हर साल करती है, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं SECL ने, लेकिन कोरबा एरिया में मैंने आज जब घूम के देखा, गलियों में यहाँ के लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, SLR सेंटर की व्यवस्था, ATM की व्यवस्था, कोई भी एक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। ये बहुत दुख की बात है और इसके लिए हम SECL प्रबंधन को लिखा पढ़ी भी करेंगे, तत्कालीन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हम निर्देश देंगे और उसके बाद भी दुरुस्त नहीं होंगे तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री के भ्रमण के दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद, वार्ड के पार्षद शैलेंद्र सिंह, अवधेश सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ACN न्यूज़ के लिए अनिल पाठक की रिपोर्ट।